हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अशरफ जमाल और फिर से मैं यहाँ आपके सामने हूँ। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब मैंने जो प्रोग्राम लिया है इसमें, जिसमें कि हम चेक करेंगे कि कोई भी जो हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस इनपुट कराते हैं, तो जो भी वेंडर है उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आइए हम लोग इसको भी आसानी से सीखते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक सीपी और एसपी। सीपी जो है कॉस्ट प्राइस के लिए, शॉर्ट नेम हमने लिया वेरिएबल का। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटर कॉस्ट प्राइस, ये इनपुट फंक्शन के थ्रू इसको हम इनपुट ले रहे हैं और इंट में कन्वर्ट करके सीपी में स्टोर कर रहे हैं। और इसी तरीके से सेल प्राइस हमने यूजर से इनपुट कराया है, जो कि एसपी नाम के वेरिएबल में ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग चेक करना है। डिसीजन मेकिंग हमें यहाँ पे करनी है कि जो है इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पे एसपी ग्रेटर देन सीपी, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया हुआ है, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है। एसपी अगर सीपी से बड़ा, यानी सेल प्राइस अगर ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया मैसेज के साथ। ये डबल कोट्स में जो कुछ भी प्रिंट में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। और कॉमा करके एसपी माइनस सीपी, इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, जो भी एसपी की वैल्यू है उसमें से सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस होकर के और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हमने दिया है कि अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेल प्राइस से ज्यादा हो, इट मीन्स कि यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उस केस में ये प्रिंट करेगा लॉस, और उसकी वैल्यू भी हमने प्रिंट करा दिया सीपी माइनस एसपी, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें सेल प्राइस को माइनस कर दिया। और एक कंडीशन और है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें एक कंडीशन हमने और चेक किया है कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस अगर यूजर ने इक्वल डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप आइडियली स्टार्ट कर लीजिए अपने पाइथन की। और यहाँ पे हमने ले दिया सीपी इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर दस कॉस्ट प्राइस, और नेक्स्ट हम लोग उसके बाद इनपुट कर लेंगे सेल प्राइस। यहाँ पे हमने लिखा है इंट इनपुट इंटर द सेल प्राइस, ये दोनों हमने इनपुट करा लिया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है कि इफ एस पी ग्रेटर देन सी पी, ये इसका सिंटैक्स है, आपको कॉलन यहाँ लिखना होगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू प्रिंट करना है इसलिए एस पी माइनस सी पी। और नेक्स्ट कंडीशन हमने लिख दिया कि इफ सी पी ग्रेटर देन एस पी, और यहाँ पे कॉलन, तो हमें क्या करना है, लिखना है लॉस। और लॉस जो प्रिंट होगा वो सी पी माइनस एस पी हमने कर दिया। और एक कंडीशन और चेक कर लिया कि इफ सी पी इक्वल्स टू एस पी, इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल होता है, और यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट नो प्रॉफिट नो लॉस। और इसको अब जो है हम लोग रन करते हैं, F5 से सेव करके इसको रन करते हैं। और सपोज यहाँ पे हमने 500 कॉस्ट प्राइस डाला और 400 हमने सेल प्राइस डाला, तो यहाँ पे अब लॉस दिखा रहा है 100 रुपये का। देखिए इस तरीके से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये प्रोग्राम भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो फिर से आपसे यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और ये सारे लिंक्स को आप जाइए इसको देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल लिंक हमने दे रखा है कमेंट्स में। और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।